नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे विंडोज 11 में सीक्रेट फोल्डर बनाना। जो फोल्डर तो रहेगा लेकिन वो किसी को दिखेगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है। विंडोज के डेस्कटॉप पर आपको राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर जाना है और इस फोल्डर का नाम रखने के लिए आपको लेफ्ट साइड वाला ऑल्ट और नम कीज में 255 लिखकर ऑल्ट को छोड़ देना। ये देखिए, ये खाली हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है एंटर। एंटर करने के बाद इस जो फोल्डर है इसको राइट क्लिक करके आना है आपको प्रॉपर्टीज पर, कस्टमाइज। कस्टमाइज के बाद चेंज आइकन, और चेंज आइकन में आपको यहां पर ढूंढना है ब्लैंक आइकन, मतलब वो आइकन जिसमें कोई सिंबल ना हो, जैसे ये, इसको कर देना है ओके एंड ओके। और अब इस फोल्डर को कहीं पर भी आप एक सीक्रेट जगह पर आप रख दीजिए। तो ये देखिए, ये हो गया इनविजिबल। जब भी आपको यूज करना है आप इसको डबल क्लिक करके यूज कर सकते हैं उस जगह से। वैसे ये इनविजिबल रहेगा, कहीं पर भी दिखेगा नहीं।